नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। इस बुलेटिन में आज बात होगी ममता के पीएम पर तीखे तंज की, पीएम की सीएम और डीएम के साथ बैठक की, बात करेंगे सोनिया ने फिर क्यों लिखा पीएम को पत्र, जानेंगे कि किसानों के आंदोलन पर ताऊते का क्या रहा असर, दुनिया में भारत की क्यों कमजोर हो रही है छवि और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती हुई महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ताऊते के बाद अब एक और तूफान देने वाला है देश में दस्तक। मौसम विभाग का अनुमान, 26-27 मई को बंगाल और ओडिशा के तट पर पहुंचेगा तूफान यास। पिनराई विजयन फिर बने केरल के मुख्यमंत्री, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्यक्रम में ज्यादा लोगों को शामिल होने की नहीं दी गई अनुमति। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया, कहा महामारी का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता पार्लियामेंट, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। वैज्ञानिकों ने सरकार को किया आगाह, संक्रमण रोकने के लिए वैक्सीनेशन के काम में लाई जाए तेजी, 6 से 8 महीने में आ सकती है संक्रमण की तीसरी लहर, इस बार बच्चों पर भी पड़ सकता है असर। और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 338 अंकों की गिरावट के साथ 49,565 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 124 अंकों की गिरावट के साथ 14,906 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच रिश्ते लंबे समय से तल्ख बने हुए हैं। इन रिश्तों का असर मुश्किल दौर में पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी देखा गया। पीएम ने महामारी को लेकर जितनी बैठकें बुलाई, ममता ने उनसे हमेशा दूरी ही बनाई, लेकिन आज जब पीएम की ओर से उन्हें बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला तो ममता बैठक में आई, लेकिन इस बैठक को लेकर उन्होंने पीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि पीएम राज्य के मुख्यमंत्रियों का अपमान करते हैं। और क्या कहा ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और अभी हाल ही में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर वैसे ही कई आरोप लगा चुकी हैं। आज प्रधानमंत्री की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हुई तो ममता ने प्रधानमंत्री पर बड़ा आरोप लगा दिया। ममता ने कहा कि संघीय व्यवस्था में सीएम को बुलाने के बाद भी किसी भी सीएम को बोलने नहीं दिया गया, कुछ डीएम को बोलने दिया गया जो उनके पसंद के थे। ये कैजुअल सुपर फ्लॉप मीटिंग थी। सीएम को अपमानित किया गया, ऐसा लग रहा था कि सीएम केवल कठपुतली ही हैं। कभी भी मेडिसिन और वैक्सीन के बारे में नहीं पूछा है और बोल रहे हैं कि महामारी कंट्रोल हो गई है, हम राज्य चला रहे हैं, लेकिन शहंशाह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये वन नेशन एंड ऑल ह्यूमिलिएशन हुआ है। उनकी कोई राजनीतिक सौजन्यता नहीं है। सभी को बीजेपी के विरुद्ध एक टीम बनाने की जरूरत है। इस मनमानी के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई होगी। जो उनके साथ बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए तैयार हैं। ममता ने विपक्ष को साफ इशारा दिया कि अभी भी वक्त है मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम डरे हुए हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम इतना डरे हुए हैं कि सीएम की बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो सीएम को क्यों बुलाया गया? कोई वैक्सीन संग्रह नहीं किया जा रहा है, कोई नीति नहीं है, डर कर पीएम भाग गए हैं। बंगाल में चुनाव को लेकर सेंट्रल टीम भेज दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं भेजा गया है। पीएम कह रहे हैं कि संक्रमण कम हो गया है, लेकिन लोगों की जान जा रही है। ये कैजुअल मीटिंग थी, वो केवल पब्लिसिटी पाना चाह रहे थे। कई सीएम बोलना चाह रहे थे, लेकिन किसी को नहीं बोलने दिया गया। क्या हम बॉन्डेड लेबर हैं या कठपुतली हैं? पश्चिम बंगाल के लिए हमने केंद्र सरकार से वैक्सीन की कई बार मांग की, लेकिन अभी भी वैक्सीन नहीं दिया गया है। वैक्सीन की स्पीड बहुत ही धीमी है। पीएम किसी की नहीं सुनते, न ही किसी समस्या का समाधान करते हैं, सिर्फ अपनी सुनाते हैं। ममता के आरोप गंभीर हैं और शायद जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से इस पर जवाब सुनने को मिल जाए। लेकिन ममता ने जिस बैठक को लेकर ये बात कही है, आखिर उस बैठक में क्या हुआ और पीएम ने क्या कहा, उन्होंने सरकार की किन तैयारियों के बारे में बताया, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एक बार फिर जिलाधिकारियों को रणनीतियां बनाने पर जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। गुरुवार को अलग अलग जिलों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी पिछले 100 सालों में सबसे बड़ी आपदा है और कोरोना वायरस महामारी ने आपके सामने चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। पिछली महामारियां हो या फिर ये समय, हर महामारी ने हमें एक बात सिखाई है,
महामारी से डील करने के हमारे तौर तरीकों में निरंतर बदलाव, निरंतर प्रयोग बहुत जरूरी है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, तो हमारे तरीके और रणनीतियां भी विस्तृत होनी चाहिए। पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों को जिलों में सबसे बड़े योद्धा बताते हुए कहा कि हमें गांव-गांव यही संदेश पहुंचाना है कि हमें अपने गांव को कोरोना फ्री रखना है, हमें लंबे समय तक जागरूकता बनाए रखना है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वैक्सीन वेस्टेज को लेकर चिंता जतलाते हुए कहा कि एक भी वैक्सीन वेस्टेज होने का मतलब है कि एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना, इसीलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बेहद जरूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वायरस के म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए चिंता जताई जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप अपने जिलों में युवाओं और बच्चों में संक्रमण से जुड़े आंकड़े इकट्ठा करें और उसकी लगातार समीक्षा करते रहें। अब प्रधानमंत्री रोजाना बैठकों में नए नए सुझाव तो दे रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि इन सुझावों का अच्छा असर जल्द देखने को मिलेगा। पीएम महामारी को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, इससे बचने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या में कमी आते नहीं दिख रही। कुछ परिवारों में तो कई लोग जान गंवा चुके हैं, कई बच्चों से तो उनके माता पिता दोनों ही दूर चले गए। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में बच्चों के भविष्य और उनकी शिक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। इसे लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। तो क्या लिखा है सोनिया गांधी ने अपने पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। इस बार संक्रमण की लहर ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है, कई परिवारों के एकमात्र कमाने वाले इंसान की जान चली गई, जिससे पूरे परिवार का भविष्य ही मुश्किल में फंसता दिख रहा है। किसी के सिर से पिता का साया तो किसी से माँ का आंचल दूर हो गया, कई बच्चे के तो माता और पिता दोनों की ही जान संक्रमण के चलते चली गई। इसे लेकर सोनिया गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है। पत्र में सोनिया गांधी ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि संक्रमण की इस लहर ने कितने ही लोगों के परिवार को मुश्किल में डाल दिया है। जिस बच्चों से उनके माता पिता दोनों ही दूर चले गए हैं, ये खबर बहुत ही परेशान करने वाली है। इनके शिक्षा या भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पति राजीव गांधी की सबसे महत्वपूर्ण विरासतों में से एक नवोदय विद्यालय का नेटवर्क है। मेरे पति का सपना था कि गाँव में रहने वाले बच्चों को कम खर्च में बेहतर शिक्षा दे सकें, और फिलहाल पूरे देश में नवोदय के 661 स्कूल हैं। मैं ये पत्र आपसे अनुरोध करने के लिए लिख रही हूं, ताकि आप इस महामारी में अपना सब कुछ खो चुके बच्चों को नवोदय विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर विचार करें। महामारी के चलते जिन बच्चों से उनके माता पिता दोनों ही दूर हो चुके हैं, उनके लिए आने वाला समय बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए। वैसे सरकार को तो किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो करीब 6 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग साफ है कि कृषि कानून वापस लिए जाएं। कृषि कानूनों पर किसानों को राहत मिलते तो नहीं दिख रही, लेकिन दिल्ली में अरब सागर से उठे तूफान ताऊते ने जरूर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान ताऊते ने महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा इन सब राज्यों में असर दिखाने के बाद दिल्ली को भी अपनी चपेट में ले लिया। तूफान से एक तरफ दिल्ली का मौसम बदला, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून के विरोध में बैठे किसानों के शिविरों को नुकसान हुआ। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में हुई बारिश ने 35 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि 51 साल बाद अधिकतम तापमान इतना कम दर्ज हुआ है। दूसरी ओर सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों को अचानक आई बारिश की मार झेलनी पड़ी है। संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार भारी बारिश से किसानों के लंगर और रहने के प्रबंधन में अव्यवस्था आई है। सड़कों और ढलान वाली जगहों पर पानी भी भर गया है। आने वाले समय में भी बारिश जारी रहने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। इसी के मद्देनजर किसानों ने स्थिति को संभालने की कोशिश कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा है कि कल ही सभी किसानों को बारिश की संभावना का संदेश दे दिया गया था। बारिश का असर जितना ज्यादा है, उतना ही बड़ा किसानों का हौसला। उपलब्ध संसाधनों की मदद से स्थिति को संभाला जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई प्रबंध नहीं होने से किसान खुद ही इन हालात से लड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक तो अगले एक हफ्ते तक दिल्ली का मौसम ऐसा ही बना रहेगा, लेकिन इससे नवम्बर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का हौसला पस्त नहीं हुआ है। किसानों ने कड़ाके की ठंड और गर्मी दोनों झेल ली, अब बारिश का सामना किसान कर रहे हैं। देखना है कि सरकार कब तक किसानों के सब्र का इम्तिहान लेती है। आसमान से हुई बारिश से किसानों को कुछ बिगड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि किसानों का हौसला आसमान पर है। इस समय मुश्किल में सिर्फ किसान ही नहीं है, बल्कि पूरा देश है। महामारी के चलते देश के अधिकांश राज्यों में या तो लॉकडाउन है या फिर सख्त पाबंदियां। यूपी के हालात भी अच्छे नहीं है, जिसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही इससे निपटने के कुछ सुझाव भी दिए हैं।
देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के बाद से कोरोना संक्रमण के मामले काफी बढ़ गए हैं। जनता को इलाज से लेकर जीवन यापन तक कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को हालात पर चिंता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने आग्रह किया कि वो निजी अस्पतालों में उपचार की कीमतें तय करने, महंगाई पर रोक लगाने और बिजली की दर न बढ़ाने समेत कई जन कल्याणकारी कदम उठाएं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान व्यवस्था की ढुलमुल तैयारियों के चलते जनता को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी है। अप्रैल मई में मचे हाहाकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की पहले से कोई तैयारी नहीं थी। कई सारे अनावश्यक नियम और लाल फीताशाही लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ लेकर आए। तो प्रियंका ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि ईमानदारी और मेहनत से खाने कमाने वाले लोगों को इन मुश्किल हालात में उनके हाल पर छोड़ देने की बजाय आज जरूरत इस बात की है कि आपकी सरकार आगे बढ़कर कुछ जन कल्याणकारी कदम उठाए जिससे लोगों को परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सके। प्रियंका ने सुझाव दिया, महंगाई पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और बिजली की दर न बढ़े क्योंकि जनता पहले ही बहुत त्रस्त है। व्यापारियों और दुकानदारों को तत्काल राहत दी जाए। प्रियंका गांधी ने अपने खत की जानकारी ट्विटर के जरिए लोगों को दी है। अब देखना यह है कि क्या योगी सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इन सुझावों पर ध्यान देती है या नहीं। देश मुश्किल में है और मोदी सरकार ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही। विपक्ष सुझाव दे रहा है लेकिन न तो केंद्र की मोदी सरकार उन सुझावों पर विचार कर रही है और न ही बीजेपी शासित राज्य सरकार विपक्ष की बात मान रहे हैं। मुश्किल वक्त में सरकार सभी को एकजुट नहीं कर पा रही। लोगों को न रोजगार मिल पा रहा, न बीमारों का इलाज। इसका असर देश में ही नहीं विदेश में भी देखा जा रहा है। भारत की छवि पहले की तुलना में खराब हुई है। अब एक सर्वे में यह तथ्य सामने आया है कि दुनिया के रहने लायक देशों में भारत को काफी निचले स्तर का माना गया है। तो किसने किया है ये सर्वे, आइए देखते हैं। मोदी सरकार भारत को विश्व गुरु बनाने के ख्वाब जनता को दिखाती रही है। पिछले 7 सालों में यही बताया गया कि दुनिया में भारत की छवि मोदी जी के राज में मजबूत हुई है, लेकिन अभी आए एक सर्वे में हालात कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जर्मनी के एक प्रतिष्ठित संगठन इंटरनेशनल ने एक सूचकांक जारी किया है। एक्सपर्ट इंसाइडर 2021 शीर्षक के इस सूचकांक में काम करने और बसने के लायक देशों की वैश्विक सूची में भारत को निचले स्तर पर रखा गया है। ये सूचकांक विदेशी मूल के लोगों यानी एक्सपर्ट की पसंद पर आधारित है। आपको बता दें कि ये सूचकांक अपने मूल देश को छोड़कर दूसरे देश को रहने और काम करने के लिए चुनने वालों की पसंद पर आधारित है। इंटरनेशनल के इस सर्वे में 59 देशों के 12,420 एक्सपैट को शामिल किया गया जो उस देश के मूल निवासी नहीं थे। इन एक्सपैट से उस देश में जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक खर्च, रोजगार, चिकित्सा तंत्र आदि के बारे में प्रश्न पूछकर उसके आधार पर रैंकिंग दी गई। इस सूची में 59 देशों के मुकाबले भारत को 51वां स्थान मिला है। भारत में रहने वाले या रह चुके विदेशी लोगों ने कहा कि जहां तक भारत की बात है तो यहां वायु प्रदूषण, पानी और स्वच्छता जैसे बुनियादी ढांचे की स्थिति बहुत बुरी है। यही कारण है कि यहां रहना हमारे लिए कठिन रहा। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी की बात कही। भारत की इस स्थिति के लिए कोरोना काल की स्थितियों को भी जिम्मेदार माना गया है। हालांकि एक राहत देने वाली बात यही रही कि 82% प्रवासियों ने भारत की वित्तीय स्थिति को बेहतर कहा और खुशी जाहिर की। एक्सपैट इंसाइडर 2021 सर्वे में कोरोना काल में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला ताइवान लगातार 3rd साल शीर्ष पर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती हुई महंगाई की। देश में इन दिनों तेल की कीमतों ने जनता का तेल निकाल दिया है। कई जगह सेंचुरी मार चुका पेट्रोल अब मुंबई में भी 100 के पार जाने वाला है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के भाव से आम जनता परेशान है, लेकिन अब खाने वाले तेल का भाव भी तेजी से बढ़ रहा है। आलम यह है कि सरसों तेल के दाम में इजाफे ने पेट्रोल डीजल को भी पीछे छोड़ दिया है। देखते हैं रिपोर्ट। महामारी के दौर ने लोगों को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां ना तो रोजगार है ना ही व्यापार। उल्टा लोगों पर महंगाई का बोझ और बढ़ता जा रहा है। सब्जियों, आटा, दाल, चावल के साथ साथ अब तो रसोई में तेल से भी महंगाई का तड़का लगता नजर आ रहा है। खाद्य तेल के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल सरसों तेल का ही होता है। ऐसे में बीते 1 साल के दौरान इसके दाम में लगभग 2 गुना इजाफा आम आदमी की परेशानियां बढ़ा रहा है। लेकिन केवल सरसों तेल ही नहीं बल्कि मूंगफली, सूरजमुखी, डालडा और रिफाइंड जैसे दूसरे खाद्य तेलों के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में जोरदार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी वजह से घरेलू बाजार में भी खाने के तेल में बढ़ोतरी हुई।
घरेलू बाजार में इन कीमतों में हुए इजाफे के असर से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। यहां तक कि सरसों के तेल का भाव 170 से 180 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच चुका है। वहीं सरसों तेल पिछले साल मई के दौरान 120 से 130 रुपए के करीब था। इसी तरह सोयाबीन रिफाइंड ऑयल फिलहाल 160 रुपए प्रति लीटर के भाव से बिक रहा है। पिछले साल ये 120 रुपए प्रति लीटर था। मई 2020 में 132 रुपए प्रति लीटर बिकने वाले सूरजमुखी तेल का भाव अब 200 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। इन आंकड़ों से साफ है कि जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है, इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों को राहत क्यों नहीं दे रही है। तो दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।